हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरे चैनल बाबा टेक में खुश आमदीद। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आप सबको एक ऐप की ज़रूरत है जी। इस ऐप का नाम है कैपकट। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर आपने आना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और वहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक वीडियो आपके सामने है, देखें आपके सामने है ना ये वीडियो। इसका जो पैसा, सबसे पहले आपने म्यूजिक ऑफ कर देना है जो मैंने किया आपके सामने। फॉर्मेट आपने इसका चेक करना है कि ये 9:16 की फ्रेम के मुताबिक है या नहीं है। ये करने के बाद अब आपने ध्यान से देखना है, बस वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, जिस तरह से बताऊंगा सेम आपने यही सेटअप रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपने कट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने स्प्लिट का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपनी वीडियो कट कर देनी है। जैसे ये ब्लैक कैट वाला ऑप्शन आता है, स्प्लिट कर दें। अब देखें इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 4.5 सेकेंड तक। कितनी ड्यूरेशन है जी, 4.5 सेकंड तक। एंड नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें जो कैपकट का लोगो है इसे आपने डिलीट करना है। अब आपने क्या करना है जी, आपने जो पहला पार्ट है ना 4.5 सेकंड तक, आपने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है जिस पर आपने इस तरह से बनानी है, जिस तरह से ये हुई हुई है इस तरह से आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। फिर आपने क्या करना जी, इसी क्लिप पर आपने क्लिक करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, तो एक और वीडियो आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने बना लिए उस आपने सेम इस तरह से ऐड कर लेना है। और आपने कुछ भी नहीं करना है, देखें आपके सामने प्ले करके आपको दिखा दूं, या आपकी अपनी वीडियो की, फिर ऑटोमेटिकली आगे ये वाला क्लिप आपके सामने आ जाएगा जो आपके सामने ये देखें। ओके जी, अब आपने क्या करना है जी, इसका जो म्यूज़िक है वो ऐड करना है। ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से उस वीडियो को ऐड करेंगे जिसमें यह सॉन्ग लगा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली इसमें वीडियो तो ऐड नहीं होगी, लेकिन उसका जो ऑडियो लगा हुआ है वो आपके पास ऐड हो जाएगा। तो आपकी जो वीडियो होगी वो बन के तैयार हो चुकी है। आप क्या करेंगे जी, ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है, अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करनी है।